ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लैश फिल कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कुछ नाम है जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में है और आप उनको अलग करना चाहते हैं, तो बहुत आसान है। आप सिंपल एक कॉलम में आएं, पहला नाम लिखें, डेटा पर क्लिक करें, फ्लैश फिल। आपने देखा कैसे कितनी आसानी से उसने सारे नाम उस कम्बाइंड नेम में से निकाल के अलग कर लिए। यही काम आप लास्ट नेम के साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ आप पहली एंट्री करें, डेटा पे क्लिक करें, फ्लैश फिल, और वो भी निकल आए। ओके, इसी तरह अगर आपके पास कुछ ईमेल, बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस हैं, क्या उनमें से भी आप यही काम करना चाहते हैं, तो आप पहला नाम लिखें, डेटा पर आएं, फ्लैश फिल, डन। लास्ट नेम, फ्लैश डेटा, फ्लैश फिल, डन। देखा आपने दोस्तों के फ्लैश फिल से कितना टाइम बचता है। सोचें आपके पास अगर हज़ारों लाखों के तादाद में आपके पास ये डेटा हो और उसमें आपको ये काम करना पड़े, तो आपका कितना ज़्यादा टाइम बचेगा। फ्लैश फिल के और भी बहुत सारे काम हैं, उसको हम अगली वीडियोस में भी देखेंगे। इसी तरह एक्सेल के और भी बहुत सारे फार्मूलाज और फंक्शंस के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो ज़रूर देखें। इसके अलावा मेरे पास चैनल पर क्रिप्टो की वीडियोस भी हैं, पावर बीआई की वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी, और भी इसी तरह की वीडियोस आएंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और इसी तरह आपको जो वीडियोस आएंगी मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।